दोस्तों चंडीगढ़ में बीजेपी किसे अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाएगी? किरण खेर से तमाम मीडिया के लोग पिछले कई दिनों से सवाल पूछ रहे थे कि क्या तीसरी बार वो चंडीगढ़ से लोकसभा की उम्मीदवार होंगी बीजेपी की, क्योंकि 2014 में वो जीती थी, 2019 में वो जीती थी, लेकिन इस बार उन्हें जवाब बीजेपी ने दे दिया है क्योंकि उनका टिकट कट चुका है। जी हाँ दोस्तों, किरण खेर, अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर, उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया है। अपने टिकट कटने के बाद किरण खेर क्या बोली है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जान लीजिए किरण खेर के साथ और किस किस का टिकट कटा है। दोस्तों प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जो बड़े जोशो खरोश के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, उनका भी टिकट काट दिया बीजेपी ने। और इसके अलावा बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का भी टिकट काट दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा खबरें बनी किरण खेर के टिकट कटने को लेकर, क्योंकि किरण खेर हाल के दिनों में ऐसे बहुत से बयान थे जिसके बाद वो सुर्खियों में रही, खासतौर पर चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के बाद उनकी बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई, बहुत से लोगों ने उन पर सवाल उठाए। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में जब रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर न केवल आरोप लगे बल्कि उन्होंने उन आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माना कि विपक्ष के वोट उन्होंने ख़राब किए थे इस पूरे मसले पर, क्योंकि इकलौती सांसद, एक ही सीट है चंडीगढ़ में लोकसभा की और वहां से बीजेपी की सांसद आती हैं किरण खेर, तो उनसे जब प्रतिक्रिया मांगी गई थी तो वो उस वक्त मीडिया के सवालों से बचती भी नजर आई थी। हालांकि जब मामला शांत हुआ तो फिर से उनसे सवाल पूछा गया कि आप फिर से क्या टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगी, तो बड़े सस्पेंस में वो थी, तो उन्होंने कहा देखते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि उनको टिकट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब जब किरण खेर का टिकट कट चुका है तो उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दोस्तों संजय टंडन, जिन पर बीजेपी ने विश्वास जाहिर किया है, चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष हैं वो, उन्हें मुबारकबाद दी है किरण खेर ने, बकायदा उनके साथ फोटो शेयर की है अपनी और लिखा है कंग्रेचुलेशन संजय टंडन ऑन बीइंग सिलेक्टेड एज बीजेपी कैंडिडेट फॉर चंडीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। चंडीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन योर कैंपेन अहेड, आपके चुनावी कैंपेन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे इस तरह से तस्वीर शेयर करते हुए किरण खेर अपनी बात खत्म करती हैं। नाम में अभी भी मोदी का परिवार लिखा हुआ है, लेकिन अब किरण खेर से जाहिर तौर पर मीडिया वाले ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप नए बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। हालांकि हाल के दिनों में किरण खेर की तबीयत को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की खबरें उड़ी थी। हालांकि किरण खेर एक रियलिटी जज के तौर पर अपनी मौजूदगी टीवी में दर्ज कराती रही हैं, लेकिन अब कह सकते हैं दोस्तों कि एक तरह से सियासी पारी किरण खेर की बीजेपी ने खत्म ही करती समझ लीजिए, क्योंकि अब किरण खेर, जो कि चंडीगढ़ से दो बार लोकसभा पहुंचती रही हैं, अब फिलहाल उनको उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं बनाया है। दिलचस्प यह है दोस्तों कि चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन संयुक्त उम्मीदवार उतारने वाला है। चंडीगढ़ की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सहमति दोनों इस सीट को लेकर बन गई है, और यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट उतरेगा, आपका कैंडिडेट नहीं उतरेगा। तो चंडीगढ़ की जो सीट है वहाँ पर कांग्रेस शुरुआत से ही ये मानती रही है कि उसके पास बढ़त है, उसका वहाँ कैडर है और पवन बंसल वहाँ काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। तो चंडीगढ़ में अब जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है तो क्या लगता है आपको कि कोई तगड़ा उम्मीदवार यहाँ, अगर इंडिया गठबंधन, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही उम्मीदवार उतारने जा रही है, तो ये सीट क्या इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।